हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्रीखंड की रेसिपी। ये देखिए, ये श्रीखंड हम 50 से 60 लोगों के लिए बनाएंगे। तो ज़्यादा लोगों के लिए यदि आपको श्रीखंड बनाना है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये हलवाइयों की तरह बिल्कुल बहुत टेस्टी बना हुआ है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले बनाना स्टार्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो चक्का लिया है, ये मैंने मार्केट से मंगाया हुआ है, घर पे बनाया हुआ नहीं है। 1 किलो मैंने चीनी पाउडर लिया है, ये 2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है, ये मैंने दूध मसाला लिया है, ये मैंने केसर को आधे घंटे पहले इसने दूध में गला लिया था, और ये मैंने बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनियाँ मैंने 1 किलो ली है, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी ले सकते हैं। तो चलिए हम श्रीखंड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 चम्मच लेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी रेसिपी है हमारी। इसको अच्छी तरीके से हमें बस इसको कंटिन्यू चलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में। इसे हमें कंटिन्यू फेंटना है, इसे जब तक फेंटना है जब तक कि हमारा स्मूथ नहीं हो जाए बिल्कुल। हम इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये स्मूथ होता रहे। इसको हमें इस तरीके से चलाना है, ये देखिए चम्मच को, ताकि हमारा स्मूथ हो जाए। कुछ लोग इसे हाथ से भी फेंटते हैं, आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा लगभग आधा फेंटा गया ये, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इसमें डल जाएगी तो ये जल्दी भी फेंटा जाएगा और चीनी भी हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसको मैंने फेंट कर अच्छे से स्मूथ बना लिया है। ये देखिए, आप थोड़ी देर इसको और फेंटेंगे हम। ये श्रीखंड मेरा होली फेस्टिवल पर बन रहा है, जो कि हम मेहमानों को सर्व करेंगे। अभी इसमें थोड़े बहुत लम्स और बाकी हैं, तो हम इसको और फेंटेंगे। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, ये केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। ये ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे हम। इसमें मैंने पिस्ता, काजू और बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है, और हम इसमें दूध मसाला भी डाल देंगे। ये देखिए, जो हम खीर में भी डालते हैं, श्रीखंड में नॉर्मली डलता है, ये भी डाल देंगे, और इलायची पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक और फेंटेंगे ताकि चीजें भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और श्रीखंड का हमारा कलर जबरदस्त आ जाए। ये देखिए, केसर का क्या शानदार कलर आया है। गर्मियों के सीजन में तो दोस्तों श्रीखंड ही बनाया जाता है, तो होली पे क्यों ना हम हमारे मेहमानों को श्रीखंडी खिलाएं। देखिए दोस्तों, आ गया ना शानदार कलर श्रीखंड का। अभी हम इसको 5 मिनट तक और अच्छे से फेंट लेंगे ताकि। देखिए दोस्तों, आ गया ना शानदार कलर हमारे श्रीखंड का। ये देखिए, ये हमारा श्रीखंड बनकर तैयार है। अब हम इसको 1 रात के लिए फ्रिज में रखेंगे और सुबह मेहमानों को सर्व करेंगे। ये देखिए, इतनी क्वांटिटी में बना है मेरा श्रीखंड। इसको फेंटने के लिए मैंने बड़ा बर्तन लिया हुआ था, आप भी बड़ा ही लीजिए ताकि इस फेंटने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए इसकी, तो ये श्रीखंड अब जाएगा फ्रिज में। देखिए दोस्तों, ये तैयार है मेरा श्रीखंड बनकर। इसको मैंने रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था और आज सुबह इसको मैंने सर्व कर लिया है, बाकी हम मेहमानों को परोसेंगे। ये 50-60 कटोरी आराम से बन गया है हमारा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो,
एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी बिल्कुल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।